देख सकते हो क्या पावर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिर्फ ब्लॉग। अभी आप दोस्तों अभी देख सकते हो, ये 90s की बाइक है, यामाहा RX 100 लेजेंडरी बाइक है उस समय की, और ये चलती है मौत के कुएं पे। बड़ी मुश्किल से भाई आज मुझे पलिया के किसी बंदे के पास ये बाइक मुझे मिला है चलाने के लिए। इसने बोला ले ले यार रिव्यू करने के लिए। आज इसका वीडियो खतरनाक वाला आएगा। आवाज़ सुन रहे हो वो तेरी पिकअप और आवाज़ भाई इसका बहुत दमदार है यार। ज़्यादा नहीं भगाऊंगा यार, ये डर लगता है इसको। आवाज़ ज़्यादा एक तो कर रही, पुलिस वाले का थोड़ा लफड़ा हो जाता है ना। इसका टू स्ट्रोक बाइक है, ये डबल पावर बना देता है। आवाज़ बहुत ज़्यादा ये कर रहा है। शायद इसमें तो तेल ऑन नहीं था, अब तेल ऑन हो गया। चलो इसी रोड पे ले जाऊंगा यार इसको, उधर कहाँ जाऊंगा यार। वो आवाज पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा। आराम से देगा यार, ये तो बहुत तगड़ी गाड़ी है यार लेजेंडरी भाई। इसका मीटर फाइनली अभी बंद है, और जो मीटर आता था वही इसका मीटर है, जेन्युइन मीटर है पूरा। अभी आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखाऊंगा इस बाइक को। खतरनाक आवाज यार इसका, जो बैक फायर मारता है ना बहुत तगड़ा ही मारता है बैक फायर। ए मुझे तो यार आलू भी ले जाना है। हाँ बैक फायर ये मारता है ना, बहुत अच्छी मारती है बैक फायर ये। देख रहे आवाज इसका, यार तनता है यार बाइक ये। थोड़ा ही दूर ले जाऊंगा, ज्यादा दूर इसको नहीं ले जाऊंगा। अब आज सुनो भाई, रॉकेट है ये, रॉकेट। ओह तेरी भाई साहब, एक नंबर बाइक है यार। ओह माय, ओह तेरी, कसम हवा बाइक है यार ये तो। आवाज सुन रहे हैं आप लोग, आवाज लेजेंडरी बाइक। रोक के कहीं आप लोगों को अच्छे से इसका सिनेमैटिक दिखाऊंगा अभी। इसका गियर नहीं पड़ता है, देख रहे। पता नहीं मैं किस रोड पे जा रहा हूँ, पर यहीं पर रोक के आप लोगों को जिसको दिखाऊंगा, जहाँ पर बढ़िया सीन आएगा वहीं पर इसको दिखाऊंगा, इस वीडियो बाइक को यहीं कहीं रोक के इसका सीन दिखा दूंगा। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. देख सकते हो ये मेरे सामने जो ये बाइक खड़ी है, ये 90s की लेजेंडरी बाइक है, यामाहा RX 100। इसमें जो इसका पूरा बताऊं तो ये पूरा जेन्युइन है भाई इसका। ये हेडलाइट, गोल लाइट, ये मीटर, और यहाँ पे मजगार भाई दूसरा बाइक का है, एलाइवल भी इसका दूसरा बाइक का, साथ ये स्टॉकर भी ये शायद दूसरी ही बाइक का है। और जो इसका इंजन है भाई दोस्तों, आप देख सकते हो टू स्ट्रोक इंजन है ये, 11 BHP समथिंग पावर बनाता है। 100 CC में आप देख सकते हो 11 BHP पावर बना रहा है। इसका टॉर्क है 10.39 Nm टॉर्क है इसका। इसमें 4 स्पीड गेयरबॉक्स है, इसमें एक आगे पड़ता है और 3 पीछे पड़ते हैं। और आप लोग इधर देख सकते हैं इसका चैन कवर पूरा, ये अलाइवल भी इसका दूसरी बाइक का, दूसरा गाड़ी का है शायद। देख सकते कुछ भी नहीं था भाई इसके अंदर, ये रॉकेट था, रॉकेट जो मौत के कुएं पे चलता है ना भाई, यही चलता है यामाहा RX 100। बहुत दिन से भाई सोच रहा था इस बाइक को कहाँ पर मिलेगी मुझे वीडियो बनाने में, पर मिल नहीं रहा था भाई ये बाइक। बड़ी मुश्किल से मुझे ये बाइक मिला था रिव्यू करने के लिए। अभी पलिया में किसी बंदे के पास ये बाइक, तब उससे मांगा था पर मना नहीं किया भाईजान। भाईजान क्या बोलूँ, भाईजान ही बोलते हैं उसको ना भाई, मना नहीं किया यार, बोला ले जा यार वीडियो बनाने के लिए क्या है, ले जा। तो बोल रहा था भाई मैं इस बाइक को सेल कर रहा हूँ, जिसको ये पसंद आई तो भाई मेरा वीडियो देख के आप ये बता सकते। इसका प्राइस समथिंग क्या बताऊँ यार, डबल प्राइस, जो जिस प्राइस पे ये बाइक आई थी उससे ये डबल प्राइस पे बिक रही है इस समय भाई। उस समय ये 24-25 हज़ार का समथिंग आया था 90s में, बताओ अभी ये डबल कीमत पे, तो आप सोच सकते हो भाई कितना पड़ेगा। है इसमें ये बटन देखो कितनी मस्त है,
इंडिकेटर, ये हैंडल इसका देखो क्या मस्त लगती खुखार बाइक है यार। नो गॉड प्लीज नो, ये चलाया ना भाई, जो टू स्ट्रोक का पापा था वो डबल बनता है भाई, डबल बनाती है टू स्ट्रोक बाइक। इंजन देख के ही पता चला कितनी हैवी मशीन है भाई ये, देख सकते हो। उस समय भाई 100 cc क्या ये बुलेट को भी पछाड़ देती थी, बुलेट को भी बताओ, पल्सर को भी ये खा जाती थी उस समय। क्या मस्त बाइक था यार, पर आज की बाइक देखो भाई, इलेक्ट्रिक ज़्यादा आ रहा है उसमें, ज़्यादा चीज़ दे रहे हैं। टू स्ट्रोक का जो मज़ा था, जाम था, वो उस समय बहुत अच्छा था। चलो दोस्तों अभी आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, आप लोगों को ले सुनो इसका आवाज। आप लोगों ने इसका आवाज, क्या आवाज है भाई यार, सुपर बाइक जैसा आवाज ये करती है, बों बों क्या सुपर बाइक जैसा आवाज निकालती है। तो इसका चलाने का फीलिंग है ना बहुत खतरनाक है भाई, ये उड़ता है बाइक यार, उड़ता है। अभी आप लोगों को दिखा था ये बिली, अभी वीडियो पे आप लोगों को बिली दिखेगा इसका, क्या खतरनाक उड़ रहा है भाई ये बाइक, क्या बताऊँ इसके बारे में। हमने कभी बाइक इसको चलाया नहीं था, आज चलाने के बाद पता चल गया टू स्ट्रोक कैसा होता है। चलाया था इसको बस सामने सामने चलाया था, स्टार्टिंग किया था बस, थोड़ा ही धूल इसको ले गया था एक गियर पे या टू गियर पे। आज इसको चलाने का मौका मिले तो क्यों छोड़ें भाई, चला के ही जाएंगे, तो नहीं होता है, बढ़िया से रिव्यू करके जाएंगे। इसके बाद चलाया ना, जो मौत के कुआं पे उड़ती है वो भाई साइलेंसर निकाल कर वो लोग उड़ा देते हैं इसको, पावर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, एक दो गियर में बहुत स्पीड बना देती है, दो तीन गियर में। इसके बारे में बहुत सुना था भाई, अच्छे अच्छे जेएस फिल्म, जो दिल्ली का ब्लॉगर है भाई, अपने जेएस फिल्म जेएस सर, उसके पास भी RX 100 है। आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों इसका, अभी आप लोगों को रास्ते में मिलेंगे। देख रहे हैं इसका पिकअप, देख रहे हैं आप इसका, क्या उड़ता है भाई ये, तीर है, रॉकेट है, रॉकेट है गाड़ी पूरा, क्या उड़ता है यार वो तेरी। देख सकते हो क्या पावर बनाती है, माँ कसम गाड़ी यार, क्या पिकअप है, एक नंबर, ओ गुड यार, सो गुड, सो गुड, क्या रॉकेट उड़ती है, एक गियर पे माँ ऐसा जाता है रे शॉट से यार, क्या बवाल, ऑसम बाइक है यार ये। आवाज़ सुन रहे हो दोस्तों, देख रहे हो आवाज़ इसकी, सुपर बाइक से क्या कम चल रहा है भाई, बहुत खतरा चल रहा है सुपर बाइक से भी, जहर उड़ता है यार, क्या बिली मारती माँ कसम गाड़ी यार। मौत के कुएं पे चलने वाली मशीन है भाई, ऐसी वैसी नहीं है मशीन, नाइटेज की है, दिल खुश कर दिया यार ये बाइक ने मुझे यार, क्या आपका भाई ये बाइक, देख रहे भाई जिसकी माँ कसम उड़ता यार, हवा है बाइक यार, क्या मैं बताऊं यार, वो तेरी इसने तो दिल खुद जीत लिया यार, फिर माँ कसम पल्सर से भी अच्छा चलता है ये बाइक उड़ने, खतरनाक यार, जितनी तारीफ करो उतनी कम है इस बाइक की। 90s की बाइक जो बनती थी ना यमा, क्या बात है यार, यमा क्या मशीन बना देता है यार, यमा बनाया था उस समय में, बहुत तगड़ा था, जहर था ये मशीन, थोड़ा पुलिस के सामने थोड़ा सा धीरे से चलाना पड़ेगा भाई, ये उस जमाने की बाइक है, क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा फैलाती है, प्रदूषण नाम के वजह से ये बाइक बंद हो गया था। उसके बाद दोबारा यमा ने अभी तक इसको लॉन्च ही नहीं किया है, शोरूम पर लाया ही नहीं, पता नहीं क्यों, लाना चाहिए यार, जो बाइक लेजेंडरी बन गई थी उसको दोबारा सर लाना ज़रूरी था यार, लाया नहीं हूँ पता नहीं। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है यार, भर भर करता है सुपर बाइक जैसा, बूम बूम, यार चलाने में फील आई थी यार इसको उड़ाने में, माँ कसम एक गियर पे कैसा भागता है यार, आवाज़ देखो इसकी, और ये धुआं ज़रूरी है भाई, इसको धुआं नहीं मारेगी तो यार मज़ा नहीं आएगा इसमें, तो इंजन में दिक्कत हो जाता है, जब धुआं मारेगी तो इंजन रेडी है, बढ़िया इंजन, सब बोलते हैं इसको ऐसे। अभी देखते भाई, यहाँ पर चौकी है, थोड़ा ध्यान से इसको चलाना पड़ेगा यहाँ पर यार, वही तो मैं इसको धीरे से चला रहा हूँ यहाँ पर, पता ही धीरे सब इसके सारे निकल जाऊँगा भाई। जिसकी बाइक थी यार उससे भी मिलवाना था आप लोगों को, तरह वो बहुत थोड़ा बिजी है, मिस्त्री आदमी है भाई, वो थोड़ा सा काम में डटा लगा पड़ा है, तो उससे क्या बात कराऊँ यार, थोड़ा अगर खाली होता तो वो भी आने वाला था मेरे साथ, खाली होता तो उसको ले आता, वो थोड़ा सा अभी बिजी है इसके वजह से उसको नहीं लाया मैं। चलो अब यहाँ पर इसको मैं खड़ी कर दूंगा, चलो दोस्तों अभी यहाँ से आप लोगों को इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में।